नमस्कार देख रहे हैं तमाम भाई बहनों को, डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि कोरोना की वेव लगातार आ रही है। पहली वेव आई, रिसेंटली सेकंड वेव आतेगी, अब तीसरी वेव आने की आशंका है। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे अपने डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वीना सिंह से, और उनसे पता करेंगे कि हरियाणा सरकार तीसरी वेव जिसकी आशंका आने की, उसको उसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैडम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जिसके लिए सभी ही हमारे दर्शक भी उत्सुक हैं, न्यूज हम पढ़ते हैं हर रोज कि कोरोना की तीसरी वेव आने की आशंका है, और डेल्टा वेरिएंट के बारे में सबसे पहले आप हमें बताइए दर्शकों को। जैसे हमने पहले भी मैंने बताया था, जो कोरोना वायरस है बहुरूपिया में, ये अपना रूप बदल देता है। उसमें एक स्पाइक प्रोटीन होती है और उसके अंदर चेंजेस आने की वजह से एक तो जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है कई लोगों को। अगर एक पेशेंट को है तो वो फटाफट कई को करेगा। दूसरा, वो शरीर में अंदर करके एंटर करके और वो और बॉडी उसको जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको पहचान नहीं पाता है। तो इसीलिए बड़ा जब अच्छे से पूरी डिजीज हो जाती है तो लेट प्रेजेंटेशन। ये वाला हमने सेकंड वेव में भी देखा है, एंड डेल्टा वेरिएंट जो है वो और भी ज्यादा स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन होगा। उसकी वजह से नंबर वन इन्फेक्शन बहुत जल्दी आएगा, नंबर टू जो मॉर्बिडिटी है तो वो बहुत ऑर्गन्स को अफेक्ट। मैडम, जैसे कल पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग कॉल की थी और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने सेंटर से मीटिंग कॉल हुई थी गाइडलाइंस के बारे में, उस मीटिंग के बाद क्या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइन आई है तीसरी वेव को देखते हुए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे को लगातार गाइडेंस मिलती रही है। इट्स नॉट फॉर थर्ड वेव आई एनीथिंग, लगातार जब से शुरू हुआ है रेगुलर गाइडलाइंस मिली है और कंप्लीट क्लैरिटी है कि हमने आगे क्या करना है। मैम, जैसे हम सोशल मीडिया में देखते हैं और बहुत से लोगों के जहन में भी एक बात है, आपके जहन में भी होगी कि अक्सर ये लोग कहते हैं कि क्या वायरस एज देख कर आता है, फर्स्ट लहर में बुजुर्ग आगे, सेकंड में नौजवान आगे, तीसरी लहर में बच्चे आएंगे। इस बारे में आप बीइंग डॉक्टर आप बताइए कि इसमें कहां तक है। बच्चों का थोड़ा वल्नरेबल इसलिए क्योंकि वो वैक्सीनेट नहीं हुए और बाकी अडल्ट्स में क्योंकि प्लस वो घर में रहे हैं, लेकिन जो अडल्ट्स हैं वो लोग बाहर जाते हैं काम करने, प्लस वैक्सीनेट भी हो गए हैं, बाहर जाने की वजह से 20% चांसेस होते हैं कोविड होने के, तो उसके अंदर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। तो उस वजह से लोग कह रहे बट वी डोंट नो, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका ना एक्सपोजर हुआ है प्लस वैक्सीनेशन भी हुआ है, तो ऐसा कोई कंफर्म कुछ नहीं है कि इट विल अफेक्ट द पीडियाट्रिक एज ग्रुप। It will only affect the people who do not take measures of COVID appropriately. तो मैं ऐसे तो नहीं, जो थर्ड वेव है उसकी जो इन्फेक्शन की सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता हो, अगर बच्चों में ज्यादा इम्यूनिटी होती है तो अब जो उसकी सिवियरिटी भी बढ़ गई ना, तो ऐसे तो नहीं कि बच्चे इसलिए ज्यादा आ रहे हो थर्ड वेव में शंका हो कि ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई हमारे। तो मैम, एक दो चीजें होती है जैसे हम बात करते हैं, एक तो होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है ठीक है उससे पहले बचाव के तरीके, एक होता है प्रॉब्लम आने के बाद हम करते हैं बचाव के तरीके, जैसे सेकंड वेव के अंदर देखने में आया। तो आप हमें यह बताइए कि जो थर्ड वेव है जो आ रही है, आशंका आज मैं फिर कह रहा हूं कि आशंका है, उसके लिए जो दिखते सेकेंड वेव में आई वो ना आए, इसके लिए हरियाणा डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह से कार्य कर रहे हैं? इसको हर लेवल पे एड्रेस किया हुआ है, वेदर इट इज द वर्दी चीफ मिनिस्टर, वर्दी हेल्थ मिनिस्टर और ACS सर, लगातार मीटिंग्स होती हैं, पूरी गाइडेंस है। नंबर वन इज मेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शुड बी अवेलेबल एट एवरी बेड इन एनी मेडिकल फैसिलिटी, चाहे PHC, CHC या डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ऑक्सीजन को सप्लाई अनइंटरप्टेड और एडिक्वेट रहे, नंबर वन इज ऑक्सीजन। नंबर टू इज
वैक्सीन। अब हम बात करेंगे कोरोना से सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं कि बचाव, अगर बचाव करना है तो वो है वैक्सीनेशन, टीकाकरण अभियान। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टीका उत्सव के तौर पर मनाया गया, 21 जून को मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगे। और सबसे बड़ी काबिल तारीफ है कि मेगा वैक्सीन कैंप के अंदर हरियाणा ने एक रिकॉर्ड मिसाल कायम की है और जगह जगह कैंप भी लग रहे हैं। और हम अब मैडम से बात करेंगे वैक्सीन से लेकर। मैडम वैक्सीनेशन के बारे में बताइए कि जो भी मौजूदा स्थिति में वैक्सीनेशन कितनी अवेलेबल है हरियाणा में और कितनी लग चुकी है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन कभी इशू नहीं था हरियाणा में, हमेशा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास अवेलेबल थी। और आज के अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, 81,32,000 डोसेस हम दे चुके हैं, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ इसलिए बेटर परफॉर्मेंस है क्योंकि हमने IEC एक्टिविटीज बहुत करी। जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी शुरुआत में, तो हमारे ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स सब ने हर लेवल पे जाके जो उनकी गलत धारणाएं थी वैक्सीनेशन के बारे में वो एजुकेशन। सबसे ज्यादा आप तो कौन से एरिया में हरियाणा में, यानी हम वैक्सीन को लेकर जागरूकता करने में दिक्कतें हैं? मेवात गुरुग्राम में इज नंबर वन, वहाँ सबसे ज्यादा, बट वहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है। और जो एक वैक्सीन हेजिटेंसी थी वो मेवात में है। और हमने CHOs हैं, आशा वर्कर्स हैं, ANMs हैं और बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, सब लोगों ने कोऑपरेट करके वैक्सीनेशन करवाने का एक मुहिम बना लिया। इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और हमारा टारगेट है कि दिन में 1,00,000 हमें हम वैक्सीनेशन के डोजेस दे पाए। तो मुझे लगता है हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, हमारी IEC एक्टिविटीज लगातार चल रही है। तो मैडम वैक्सीन को लेकर एक और धारणा भी है, पहले ये कहते थे कि 28 डेज में लगेगी, उसके बाद 84 डेज में लग रहेगी। तो मैडम इसके बारे में क्लियर करिए कि क्यों लोग भी सोचते हैं कि जो वही वैक्सीन है जो इतने टाइम पे लगती है उसके बाद वो 84 डेज में लग रही है, इसके बारे में क्लियर करिए एग्जैक्टली मिशन क्या है। एग्जैक्टली कोवैक्सीन के अंदर 4 वीक्स के बाद सेकेंड डोज लेना है, कोविशील्ड में 84 डेज के बाद लेना है जब वैक्सीन शुरू हुई थी। और उसके बाद जो स्टडीज जो आगे बढ़ी उसमें देखा पाया गया कि वेट करने से बेटर रिस्पांस आता है। तो कोविशील्ड में 84 डेज है, कोवैक्सीन 4 वीक्स के बाद, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मैंने जैसे आपने कहा कि 81,00,000 और समथिंग अप्रोक्सीमेटली आपने आंकड़ा दिया है, तो इसका मतलब ये हो सकता है आप ये बात को मानते हैं जितने लोगों को वैक्सीन लगेगी उतना ही कोविड की थर्ड लेस स्प्रेड कमी कम होगी। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि हरियाणा आज की डेट में यानी टीकाकरण के हिसाब से भी कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, यानी हरियाणा के अंदर यानी कम होगा जो भी हो फैले। 4 स्टेप्स हमें करने हैं, नंबर 1 वैक्सीनेशन, नंबर 2 कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क है ये भी एक बहुत बड़ा वैक्सीन है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइडिंग बिग गैदरिंग्स, अवॉइडिंग बिग सेलिब्रेशंस, ये चीजें बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर आउटलाइन है वो होना चाहिए। तीसरा टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, डीप ब्रीदिंग, हमारे तो इंडिया में योगा बहुत पॉपुलर है, एक्सरसाइज करना, हेल्दी लिविंग करना ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हॉस्पिटल्स में तो अरेंजमेंट्स हर तरीके से की जा रही है। मैडम अभी आपने कहा थर्ड वेव को रोकने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। मैडम जैसे अभी आपने कहा कि हमारा पूरी टीम लगी हुई है दिन रात एक कर रही है, हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग की टीम, आशा वर्कर से लेकर आपके डायरेक्टर्स लेवल तक सभी लगे हैं। मैडम अब एक प्रश्न हमारी जहन में, जो इंसान काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर चाहे आशा वर्कर हैं, ये प्रश्न मैडम बहुत लोगों ने हमसे भी किया क्योंकि वो भी एक रिस्क फैक्टर में तो है ना, तो अगर उनको भी कोरोना होता है तो उसके उस अगर कोरोना आता तो आशा वर्कर की बात कर रहा हूँ, उनके पास पैसे भी नहीं होते, क्या उसके लिए सरकार ने कोई इस तरह की बात करी है कि उनका इलाज वगैरह इस तरह हो सके अच्छे तरीके से? इलाज भी बहुत अच्छे ध्यान से किया जाता है। सबसे पहला काम हम ये जो किया है हरियाणा में, वी हैव इंश्योर्ड कि हमारे सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं सबसे पहले वैक्सीनेट हो। कुछ है जिन्होंने बहुत थोड़ी मात्रा में है, कुछ को तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बाकी
सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन दिया गया। उसके बाद एक्सक्रेशिया की जो बेनिफिशरीज हैं, जो आउटलाइन है, वो स्टेट लेवल और गवर्नमेंट लेवल पे है, वो हर लेवल पे अवेलेबल करवा गया। मैम, जैसे अभी आशा वर्कर काम कर रहे हैं, आपके पास आंकड़े भी आ रहे होंगे कि इस जिले में इतने आए हैं, अचीवमेंट आगे बढ़ रही है। जो आशा वर्कर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग एक उनको एक प्रोत्साहन चाहिए अंदर से, तो अगर आप आपके मन में कोई ऐसे एज ए डीजी कोई आपकी जब ऊपर बात चली जाए, आपके मन में ऐसी की बात है, अगर कोई अच्छे काम करते हैं उसको आप प्रशंसा पत्र इस तरीके को सम्मान चिन्ह दोगे आप? बिल्कुल, हर लेवल पे उनकी सबसे पहले जो वो दिन रात बिना अपनी हेल्थ के बारे में सोचे लोगों के आके काम कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बिग थिंग। और ऐसा नहीं है कि ये हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, हर लेवल पे उनको अप्रिशिएट किया जाता है। जो हॉस्पिटल में जो पीएमओज हैं, इंचार्ज हैं, वो लोग अपने पूरे स्टाफ को मॉर्निंग हर सवेरे हमने सबको डायरेक्शंस दी हैं टू गिव अ टॉक टू देयर स्टाफ, जिससे वो पूरे दिन मोटिवेटेड रहे और हम सब रिकॉग्नाइज करते हैं जो वो काम कर रहे हैं और हर जगह अप्रिशिएशन। तो जैसे हमें पता है कि हेल्थ विभाग में कोविड के अंदर सिस्टम जो हम कह सकते हैं क्राइसिस दौर चल रहा है, इसके अंदर सभी हम एक जैसे एक टीम वर्क तरह काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आशा वर्कर भी हैं, वो नेचुरली ज्यादा वो रिस्क फैक्टर पे हैं क्योंकि फ्रंट लाइन पर वो हैं और डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, जो ये लोग फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी हौसला रहेगी अगर उनको कुछ होता है कि पीछे कोई है, उसको देखते हुए फाइनेंशियल तौर पर, आर्थिक तौर पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले सारे हेल्थ वर्कर, चाहे वो आशा वर्कर हो, एएनएम डॉक्टर जो भी है, अगर कोविड ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ होती है तो उसके लिए सेंटर से 50 लाख का क्रेशिया अनाउंस होता है डेथ पर ठीक है। और हरियाणा सरकार का 3 लाख एज इट इज एग्जिस्ट करता था किसी की डेथ होती है तो। इन एडिशन अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर आशा को 5,000 देने का फैसला, इंसेंटिव देने का, जो 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 संक्रमित नहीं हुई है उनको सभी को दिया, जो फील्ड में ड्यूटी करे हैं, सिर्फ आशा वर्कर को दिया के करीब है। हाँ। ये सिर्फ आशा वर्कर को दिया, सभी को दिया, अभी डॉक्टर्स का सभी को दिया, खाली आशा वर्कर, अभी तो सिर्फ आशा वर्कर। तो भविष्य में ऐसी की आपके जहन में बात है कि फ्यूचर में औरों को भी मिल सके ऐसे कि नहीं? अभी तक वैक्सीनेशन की बात करेंगे मैडम, जैसे आपको नहीं लगता कि जो टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था वैक्सीन लगाने के लिए, अकेले हरियाणा की बात नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, उस लेवल तक वैक्सीनेशन का वो जो ग्राफिकल था जो वहां तक नहीं पहुंच सके, उसके बारे में ऐसे ना हो, प्रेजेंट हरियाणा के अंदर कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है पहले ये बताइए, और जो थोड़ी मारी मोटी कमी रह गई है जिसमें मान लो कि जागरूकता की कमी, गांव में जागरूकता की कमी रहती है, उसको दूर करने की क्या हेल्थ डिपार्टमेंट को टीम्स बनाई है ताकि लोगों को जागरूकता आए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगा सके, इसके बारे में? मेरे को बेहद खुशी हो रही है ये बात बताने में कि हरियाणा में आज के दिन 81,32,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है, और पूरे अगर कंट्री में देखें तो हरियाणा अंडर 10 में आएगा, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारे वैक्सीनेटिंग टीम की रही है। जो इनिशियल हेजिटेंसी थी वैक्सीन के अगेंस्ट, वो अब खत्म हो गई है। पहले लोग एप्रीहेंसिव थे कि लगवाएं ना लगवाएं, लेकिन आज के दिन वो वैक्सीन हेजिटेंसी खत्म हो गई है, लोग बिल्कुल सामने आ रहे हैं, लगा रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हर दिन 1 लाख वैक्सीन हम लगा सके और ऑलमोस्ट हम इसको पूरा कर में सफल हो जाते हैं। जो और मेजर हमारा वैक्सीनेशन फरीदाबाद एंड गुरुग्राम में होता है। इन एडिशन आने वाले टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी अलाउ कर देंगे और उस वजह से वैक्सीनेशन भी और बढ़ जाएगा। तो जो इनिशियल हेजिटेंसी थी वो खत्म हो गई है। हरियाणा ने रिमार्केबल 81 लाख को तो ऑलरेडी हमने वैक्सीनेट कर दिया है। 81 लाख एंड 32,000 तो हमारे, मैं बिल्कुल नहीं मानती हमारा वैक्सीन को लेकर बहुत सक्सेसफुल है और सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैडम, वैक्सीन को लेकर एक धारणा है सभी के अंदर, हम भी लोगों में जाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो पहले आती है 28 दिन के बाद लगाओ,
दूसरी बार कहते हैं 83 दिन के बाद लगाओ, फिर आके कहते फिर कह रहे थे उस दिन लगाओ। आप एग्जैक्ट कहिए कि एग्जैक्ट क्या है इसका। 4 to 6 weeks होता है। और हमारा हरियाणा के अंदर फर्स्ट डोज तो लगाई है, सेकेंड डोज भी हमारा जो रिकॉर्ड सेकेंड डोज सब लोगों ने लिया है और उसमें भी। अच्छा मैडम, वैक्सीन में आप डीजी हो, वैक्सीनेशन में सबसे पहले नंबर पर हरियाणा का कौन सा जिला आ रहा है? गुरुग्राम। अच्छा सबसे जो लास्ट वाला वो कौन सा है, ताकि लास्ट होगा तभी आप वहाँ पर आप डेवलपमेंट करोगे ना। लास्ट वाले को नहीं देखा है, बाकी फिर बाकी रेस्ट फरीदाबाद गुड़गांव में मैक्सिमम है, बट लास्ट का देखना पड़ेगा। जो थर्ड वेव आ रही है कोरोना की आ रही है उसके अंदर यानी आपके जहन से जो 3 चीजें मेन है, टीकाकरण होगा उससे बचाव है, सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा के इसमें हमें बिल्कुल कताई नहीं बरतनी चाहिए और गैदरिंग वाले एरिया से हमें दूर रहना चाहिए। मैडम अब जो ऑक्सीजन प्लांट की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन प्लांट में आपने कहा था कि आप आई थिंक कितने अप्रूव हुए थे, 40 बोले थे लेकिन उसमें से 6 फंक्शनल हुए हैं और बाकी पे पूरा स्पीड से काम चल रहा है। अच्छा मैडम अब आप एक बात और पूछेंगे मैडम कि आपने भी देखा होगा जो सेकंड वेव में प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी मनमर्जी से यानी कहते हैं कि बिल दी, जितना बिल नहीं था उसके लिए भी आपने हेल्थ विभाग ने एक्शन लिए हैं, कमेटियां बनी एक्शन लिए हैं। फ्यूचर के अंदर ऐसे ना हो, क्या आपने उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि इस तरीके की बात ना हो अगर कोई पेशेंट वहां पर आता है? बिल्कुल, बहुत सारी कंप्लेन आई है इसके बारे में और सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर रही है और उस पर एक्शन लेंगे और जब एक्शन होगा तो आने वाले समय में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसा काम कर रहे हैं तो उन्हें जरूर फेबी होंगे तो वो नहीं करेंगे फिर तो गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, इस पर पूरी जांच कर रही है। तो भाई बहनों आपने देखा कि हरियाणा का हेल्थ विभाग किस तरह से मुस्तैदी के साथ आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारे बीच में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस डॉक्टर वीना सिंह मौजूद थे। आपने देखा कि किस लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक हरियाणा वासियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है और उनको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार ये अपील मैडम ने भी की है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी कर रहा है, सीएम कर रहे हैं, एचएम कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रालय कर रहा है कि टीका जरूर लगाएं। टीका ही एक ऐसी है जो आपको कोरोना से बचाएगा, आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो ये हमारे बीच में डॉक्टर वीना सिंह मैडम बहुत बहुत एंड मास्क एंड सोशल डिस्टेंस। तो आपने देखा, आपने चीज ये भी देखी होगी मैडम खुद बैठे हैं यहाँ पर, हमने सोशल डिस्टेंस रखी, मास्क खुद लगाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी यानी हम समझ सकते हैं कि अगर हेड रूल फॉलो कर रहा है तो स्वास्थ्य विभाग के जो आम नीचे डेवलप कर्मचारी वो भी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कंधा से कंधा मिलाकर कोरोना से फाइट करने के तैयार बैठे हैं। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा को थैंक यू। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।